अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिले सताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल पाया तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद में फ़हीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली खुबरू दिलकश और बेहद हसीन तुर्कश अदाकारा के बारे में बताएँगे कि दरअसल ये कौन है और असल ज़िंदगी में क्या करती हैं। क्या यह अदाकारा शादीशुदा हैं और अगर हाँ तो इनके कितने बच्चे हैं, इनका ताल्लुक कहाँ से है, बॉयफ्रेंड कौन है और सबसे अहम बात कि क्या ये मुसलमान भी हैं या नहीं। तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्बे रवायत नए आने वाले सामईन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सुल्तान अब्दुल हमीद में फ़हीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली अदाकारा का असल नाम एलिफ ओज़कल है, जो कि तुर्की की एक बेहद खुबरू दिलकश नैनो नक्श और दिल नशीन मुस्कुराहट वाली अदाकारा और मॉडल हैं। इनकी पैदाइश 2 मई 1996 को तुर्की के शहर अनकारा में हुई। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अनकारा से ही हासिल की, जबकि बाद में अपनी फैमिली के हमराह तुर्की के सबसे मॉडर्न शहर यानी इस्तांबुल हिजरत कर गईं और वहीं से अपनी आला तालीम एक्टिंग डिपार्टमेंट में हासिल की। तालीम के दौरान ही मुख्तलिफ कमर्शल्स वगैरह में काम करती रहीं और ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इनको अपनी बाकायदा अदाकारी का आगाज़ एक ऐसे ड्रामे से मिला जो ना सिर्फ तुर्की बल्कि पाकिस्तान के अलावा दीगर कई ममालिक में मशहूर हुआ। पाकिस्तान में इनकी वजह शोहरत भी यही ड्रामा यानी सुल्तान अब्दुल हमीद है। अब अगर बात इनके रिलेशनशिप स्टेटस की करें तो ये गैर शादीशुदा हैं, ताहम अहमद ओज़लेम नामी तुर्की शख्स से 2 साल से ताल्लुकात में हैं। और अगर बात इनकी हाइट की जाए तो इनकी हाइट 5 फीट 7 इंचेस है, जबकि इनका वेट 55 kg है। इनका आई कलर ब्लू जबकि हेयर कलर ब्राउन है। इनका ताल्लुक दीन इस्लाम से है, जबकि शॉपिंग, ट्रैवलिंग और बुक रीडिंग इनके दिल पसंदीदा शौक हैं। तो नाज़रीन, यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसने आपको महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।